झरिया के जोरापोखर थाना क्षेत्र के लक्ष्मी कॉलोनी निवासी महिला से जोर जबरदस्ती का मामला प्रकाश में आया है। महिला ने बताया कि रात को अपने घर में था और मेरे पति अपने काम से बाहर गए हुए थे, तभी झरिया के बनिया हीर शमशेर नगर निवासी शहजाद अली उर्फ छोटू मेरे घर रात्रि करीब 8 बजे मेरे घर आया और हमसे बातचीत की और मेरे पति के बारे में जानकारी ली। तो मैंने कहा कि मेरे पति बाहर गए हुए हैं, यह सुनकर वो चला गया। मैं भी अपने घर काम धंधा कर 3 साल के बच्चों के साथ सो रही थी, तभी रात को करीब 11 बजे मेरी नींद खुली तो देखा कि मेरे बगल में शमशेर उर्फ छोटू आपत्तिजनक स्थिति में मेरे बिस्तर पर सोया हुआ है। मैं यह देखकर दंग रह गई और उसको धक्का देते हुए हल्ला किया तो अगल बगल के लोग इकट्ठा हो गए। यह देखकर छोटू ने पिस्टल निकाल ली और मेरे बच्चे और मुझे सटा दिया और कहा कि ज़्यादा हल्ला करोगे तो जान से मार दूंगा। उसकी नीयत गंदी थी और मेरे साथ अवैध संबंध बनाने का प्रयास कर रहा था, जिसका विरोध किया। इसकी शिकायत जोरापोखर पुलिस को दे दिया है और उक्त आरोपी पर कानूनी कार्रवाई की मांग की। क्या मामला है सर? रात को एक बार मेरे घर में 10 बजे आया था। कौन आया था? छोटू आया था, शहजाद अली। छोटू शहजाद शहजाद अली। क्या कर रहा था? क्या कर रहा? वो आया पूछ के गया कि आपका हस्बैंड कहाँ है, तो हम बोले कुछ काम से बाहर गए। तो फिर जाके मैं घर में सो गई, 11 बजे रात में मैं घर में सो रही थी बच्चे के साथ। तो फिर जब अचानक मेरा नींद खुला तो देखे हम उसको, मेरा बदन में वस्त्र वैसे लेटा हुआ। फिर जब हम चिल्लाने लगे सर तो बंदूक मेरे बच्चे लोग को दिखा है, मेरे बच्चे के ऊपर बंदूक दिखा और हमको भी सटा दिया गर्दन में और बोला कि अगर किसी को बोलिएगा तो हम आपको जान से मार देंगे। तो इसके बाद फिर जब मैं चुपचाप हो गई सर तो जबरदस्ती वहाँ से मेरे से जिता जुकरी करके जबरदस्ती वहाँ से निकल करके पीछे का दरवाजा से फिर भाग दिया। अच्छा। फिर जब चिल्लाने लगे तो फिर मेरा अगल बगल का मेरे कुछ सास उसका दामाद लोग सब बाहर आए, सब बोला डंडा लेकर के मारने के लिए उसको निकालने लगा, जब तक तो भाग गया। तो पूरा मोहल्ला वाला बोला कि हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग देखे हैं, सब बोलेंगे कि आपका घर में भूसा था, मेरा हस्बैंड भी घर में नहीं था। इसकी शिकायत आपने दिया थाना को? थाना को देंगे सर और इसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। दोबारा फिर मेरे साथ ऐसा कोई साथ जो घटना घटी ये आपको कैसे पता चला और कब पता चला? तो अचानक 1 बजे कॉल आया वॉइस पर। क्या मेरे साथ घटना हो गया, 500 रुपये बाहर चले गए। हमने पूछा क्या हुआ तो फिर हम बगल वाला से ही बात किए तो बगल वाला ये बोले कि छोटू आरूप शहजाद अली बनिया के रहने वाला है, वो आया था यहाँ लक्ष्मी कॉलोनी उसका बांध के घर है, रात में कोयले लेके जाता है 2:30 बजे। उसके क्रम में 10-11 बजे वो हमको भी कॉल किया कि कहाँ पे है, हम बोले रांची में, तो रांची में आ नहीं सकेंगे हम, कल आएंगे, मेरा गाड़ी खराब हो गया। तो बोला ठीक है। उसके बाद अचानक जो है जो वाइफ से बात हुआ और बगल वगल से बात हुआ तो बोला इस तरह की घटना हुआ है, तो हम पूछे क्या हुआ तो रोने लगे। तो बोला कैसा सा है देखो, 11 बजे हम रात में जब उठे अचानक से बिस्तर में उसको इस तरह मतलब पाए, उसको पाए तो फिर हम सोच हल्ला किए तो बगल अगल वाला सब देखा। हमने पूछे कौन कौन देखा, उसके अलेज में अरमान मोहम्मद अरमान राजा अंसारी सब उठ के उसको डंडा लेके उसको चढ़वाने के लिए प्रयास किया तो वो भाग नहीं गया। भाग निकलने के कारण उसका बहन के घर जब मेरी वाइफ गई हम भेजे कि आप जाइए, तो और दोस्तों लोगों को लेके गई तो उसका बहन धमके देती है कि जो करना है कर लीजिए, मेरा भाई मजाक से किया। अब जिला प्रशासन से क्या मांग करते? जिला प्रशासन से ये उम्मीद करते कि हमको मेरे वाइफ को जो है इंसाफ मिले, हॉस्पिटल उसे करवाएंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद अली।